हाँ राकेश जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? अभी अभी आदिल राखी दोनों अंदर है, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत ही जिस तरह से अभी मम्मी का हुआ है वो दुख तो है ही, और उससे बड़ा दुख अभी जो राखी के साथ हो रहा है, सोचा भी नहीं था सपने में कि इतना गिर सकता है वो। हमने माफ भी किया दो तीन बार माफ भी किया। जिस दिन मम्मी का डेथ हुआ था उसके दूसरे दिन जो राखी के घर पे हमें उसको खाना खिलाने जाना था, तभी देखा था कि राखी का पूरा मुंह सूजा हुआ है, तो रो रही थी, कुछ बता नहीं रही थी। जब मामा ने, मासी ने, मामी ने सब जब बोला कि फोर्स करके क्या हुआ है, तब उसने बताया कि मुझे बहुत बुरी तरह मारा है। जिस दिन मम्मी की डेथ हुई थी उसी दिन रात को मम्मी के बारे में जब बातचीत हो रही थी तो बोले कि सब कुछ नहीं है, और उसी में उसने बहुत मारा था राखी को। और हमने जब देखा कि राखी के शरीर पे जो दाग है, हम तो बहुत गुस्से में थे सारे लोग, मामा मासी, तो हमने राखी को बगैर बोले, हमने राखी को ना कुछ बोलते हुए भी हमने राखी को रिक्वेस्ट किया तू जा पहले कुपर में। हम कुपर ले गए, कुपर में उसका पूरा मेडिकल कराया, जो शरीर में जितने दाग थे वो बता, आप रो पड़ोगे जिस तरह के उसके काले दाग है उसके शरीर पे, क्योंकि मम्मी की तेरहवीं थी और ये सब होना था, तो इसके लिए हम लोग चुप बैठे थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा राखी रो दो, फाइनल डिसाइड करे क्या होना है क्या नहीं। लेकिन कल तेरहवीं है, उसके पहले आज फिर खबर मिली कि मम्मी के जितने दागीने हैं जो राखी के पास रहते थे, राखी के खुद के जो दागीने हैं, पैसे जो चोरी हुए हैं, ये सारी चीज़ें जब पता चली तो हम खुद पुलिस स्टेशन में आए, और ये सब देखकर मैं खुद हैरान हूँ कि इतना गिर सकता है आदिल, इतना गिर सकता है आदिल। कुछ बयान दिया है उन्होंने पुलिस के सामने? अभी तो वो बयान तो क्या, वो तो सब देना पड़ेगा, जो जब पुलिस आ गई ना महाराष्ट्र पुलिस, ये बड़े बड़ों के पसीने निकाल देती है, और राखी तो उनकी अपनी बेटी है, उनकी अपनी फैमिली है। आपसे जानना चाहूँगा क्या आपकी बात, क्या आपसे बातचीत हुई, क्या फोन पे आपने? जी मेरी राखी से बातचीत हुई, राखी बहुत, क्या आपकी, मैंने उनको बहुत धमकाया, मैंने उनको समझाया, जिस दिन हुआ था उसी दिन भाई जिस दिन हुआ था, हाँ ब्रदर आराम। अरे चालू में क्यों भगा रहे हो? नहीं नहीं वो काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। गेट क्यों बंद कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ राकेश जी, राकेश जी होगा सबको बराबर है, राकेश जी साइड में आ जाते हो, आदिल को फोन करके। मैंने तो उसी दिन बात की थी जिस दिन उसने हाथ उठाया था, मेरे मामा ने की थी, हमारे पूरे खानदान ने की थी, और बहुत ही बदतमीजी से बात की थी उसने, बोला हमारा पर्सनल मामला तो ये नहीं होता कि आप घर के बेटे पे हाथ उठाओ, आप इस तरह से उसके साथ आपने एक जानवर जैसा बर्ताव किया है। और जो लोग कहते हैं ना आज के टाइम पर कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, यह है नतीजा। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि माँ ने यह सबक दी है, अभी अभी जो माँ को हुआ है, माँ हमारे साथ है, माँ ने उसकी हकीकत सामने ला के रखी है, माँ ने एकदम तेरी से पहले ही उसकी परछाई जो है, उसकी जो नीयत थी, ये सामने रख दी पब्लिक के और पूरे हिंदुस्तान के सामने कि राखी सीधी है, उसने सच में उससे प्यार किया था, सच में उसके साथ अपनाना चाह रही थी, लेकिन उसका सिर्फ यही था कि फेम, नेम और पैसा। काफ़ी सारी तस्वीरें, वीडियोज आए हैं, बहुत सारे ऐसे भी वीडियो आए जिसमें राखी जी कन्वर्ट होने का कोशिश था, आपने कभी उनसे कहा कि देखो आपके लिए इतना कुछ राखी कर रही है और आप ऐसे कर रहे हो, क्या इस तरह की वाक्य आपने उनसे? देखो ये उनकी पर्सनल है, जो वो मियां बीबी करना चाह रहे थे वो उनका पर्सनल है, दैट इज़ नथिंग टू, क्योंकि अगर उसने शादी की है तो सोच समझ के की होगी, और उसे लगा था कि ये सही लड़का है, ये हमारे साथ आगे निभाएगा, मैं उसको मेरे साथ लेकर चलूँगी, उसे भी स्टार बनाऊँगी। लेकिन जब उसको हकीकत पता चली कि उसने एक बार दो बार चुप बैठी, उसने हमारे से भी छुपाया, मेरे मामा से, मामी से, पूरे फैमिली से छुपाया, लेकिन जिस दिन माँ का हुआ और उसी दिन जब उसके साथ हुआ तो हम तो ऐसे ही गए थे कि राखी तू परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तब वो फूट फूट के रोई कि मामा, मासी, भाई ये देख मेरे साथ क्या हुआ है। जब उसने दिखाया, उसकी वीडियोस दिखाया, उसने जिस तरह के उसके, मैं तो बता नहीं सकता कि मतलब एक आदमी इतना गिर सकता है कि इतनी बुरी तरह मारा है, और सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ, अरे तुम्हारे पास ज़िंदगी थी उसके साथ जीने की, तुम्हारे पास वक्त था, तुम्हारे पास लाइफ थी एक अच्छी,
जो तुमने पूरी खत्म कर दी। सर उस दिन ही अगर उनके पास इतने एविडेंस थे तो तभी क्यों नहीं बताया राखी ने, क्योंकि उसके बाद भी हमने आदिल से बात की तो बोल रहे थे कि जो बोलना है राखी को बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गेम खेलना चाह रहा था, वो ये चाह रहा था कि मैं अच्छा रहूं, मैं कुछ ना बनूं, राखी बोलती रहे, राखी लोगों के सामने खराब होती, लेकिन राखी सच्चाई बता रही थी। उसकी जो अंदर की जो प्रॉब्लम थी, उसकी जो दर्द थी, उसकी जो पेन थी, वो एक थोड़ा सा टाइम बीबी भी अपना छुप बैठ जाती कि चलो घर बसाना है, घर संभालना है, तो एक बार दो बार हो सकती है गलती हो गई हो, लेकिन जब ये हद से पार, आज भी सुबह उसको जब मारने आया, उसके पे जो धाराएं लगी है चोरी की, मारपीट की, डाउरी की और फंसाने की, जो उसने दुबई में उसका पैसा फंसाया है, उसने प्रॉपर्टीज़ पे पैसा उठा के, जो मैंने मना किया था, लेकिन आदिल ने मुझे दुबई से फ़ोन किया कि हम ऐसा कर, बोला अगर तुझे करना ही है तो अपने पैसे से ले, राखी के पैसे से क्यों ले रहा है, तुझे अगर दुबई में प्रॉपर्टी लेनी है तो उसका पति है तो उससे अपने पैसे से ले। जो उसने झूठ का सहारा लेकर उसको लूटने की कोशिश की, आज माँ ने दुनिया के सामने, हम आज बोल रहे कि माँ हमारे साथ है, और माँ ने 13वीं से पहले ही दुनिया के सामने उसकी सच्चाई लाके खड़ी कर दी, जो आप सबको पता चली है।